नमस्कार फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी जो है हमारे यूट्यूब चैनल दर्शा क्लासेज को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास जो है हमारे कंटेंट शेयर करें। धन्यवाद। तो आज हम जो है आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेकर आए हैं, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है आपको बता दूँ कि भविष्य में किसी निर्धारित समय पर, जो आने वाला समय है भविष्य जिसको हम बोलते हैं, उसमें किसी निर्धारित समय पर अगर कोई भी कार्य पूर्ण होगा तो उस टेंस को व्यक्त करने के लिए या उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जिस टेंस को हम काम में लेंगे वो टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट के रूप में या फ्यूचर परफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट का यही ध्यान रखना है कि निकट भविष्य जो हमारा आ रहा है उसमें एक निर्धारित समय पर अगर कोई कार्य पूर्ण हो रहा है तो समझ लेना है कि दिया हुआ टेंस फ्यूचर परफेक्ट है। अब फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले बता देते हैं कि वर्ब के अंत में हम सब जानते हैं जो पहचान है हमारी पहचान आप सब जानते हो, हर एक टेंस की अपनी अपनी पहचान है। यहाँ पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, लिया होगा, ली होगी। ये सब शब्द जो है हमें हिंदी वाक्य के अंत में मिलेंगे, तो जहां पर ऐसे शब्द हमें देखने को मिलेंगे वहीं हमारे पास जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। अब फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब हेल्पिंग वर्ब सेल और विल है, तो सेल और विल का प्रयोग भी हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आते हैं तो हमें सेल का प्रयोग करना और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करना है। यहाँ सेल के साथ हैव का प्रयोग करना है और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। पैटर्न जो है यहाँ पर दिया हुआ आपके सामने है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सेल या विल दोनों में से एक लगाना है, उसके बाद हैव लगाना है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और कुछ बचता है तो वो हमें लगाना है। तो आपने देखा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट जब हमने पढ़ा था तो वहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, पास्ट परफेक्ट जब हमने पढ़ा तो वहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और फ्यूचर परफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं यहां पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से हर एक टेंस के परफेक्ट वाले भाग के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम में आती है। एग्जाम्पल है विक्रम खाना खा चुका होगा, तो यहाँ दिखाई दे रहा है साफ साफ चुका होगा, चुकी होगी, ये शब्द जो चुका होगा है ये व्यक्त करता है कि दिया हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसको हम बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा है विक्रम, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो जाता है विक्रम, विक्रम के बाद सेल और विल दोनों में से एक लगाना है, चूंकि विक्रम थर्ड पर्सन का है इसके साथ विल लगाएंगे, तो विक्रम विल, विल के साथ हैव, विक्रम विल हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म में खाना, एट ईट इटन, इटन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में खाने की, तो विक्रम विल हैव इटन, और इटन के लिए क्या कहा गया है फूड, तो ये हो गया हमारा विक्रम विल हैव इटन फूड, विक्रम खाना खा चुका होगा। इसी को जब हम नकारात्मक बनाते हैं थर्ड नंबर पे हमने बताया था नोट लगाते हैं, थर्ड नंबर पे हम जब नोट लगाएंगे तो हमारा वाक्य इस प्रकार से बनेगा, विक्रम विल नॉट हैव इटन फूड, इस प्रकार से हमारा वाक्य बन जाएगा। अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना, सब्जेक्ट को उसके बाद रखना, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं विल, विल के बाद विक्रम, विक्रम के बाद हैव, हैव के साथ हिटन और उसके साथ फूड, तो ये इस प्रकार से इंट्रोगेटिव चिल्ल लग जाएगा और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर इसी का इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी बनाना है तो वही थर्ड नंबर पे हमें वापस नोट लगा देना है, इस प्रकार से हमारे चार वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। एक और उदाहरण है, वह अगले माह तक, वह अगले माह तक इस कार्य को पूरा कर चुका होगा। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ये जो टेंस है इस टेंस में समय को व्यक्त करने के लिए जिस प्रकार के शब्द हम काम में लेंगे वो शब्द है जैसे बाय जुलाई, बाय मंडे, समय के साथ जो है बाय लगता है इसमें, इस प्रकार से समय के लिए शब्द काम में आएंगे। यहाँ हम देखते हैं तो हमारी जो पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है,
इसको बनाएंगे सेम पैटर्न है। सबसे पहले वह है तो ये ही आ गया, ही थर्ड पर्सन है तो विल आएगा, तो ही विल, विल के बाद जो है वर्ब की सॉरी हैव लगाना है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म है पूरा करना, करना नहीं है केवल पूरा करना है, तो ये थर्ड फॉर्म कंप्लीट ही कंप्लीटेड हो गई। तो ही विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड को बोलते हैं पूरा करना। चुका हुआ हमारी पहचान थी, वह हमने सब्जेक्ट के रूप में ले लिया, कंप्लीटेड का अर्थ पूरा करना, क्या पूरा करना है इस कार्य को, तो दिस वर्क यहाँ तक हो गया। अब बच गया क्या अगले माह तक, तो बाई का प्रयोग हमें करना है और अगले माह के लिए नेक्स्ट मंथ। तो इस प्रकार से ये हमारा जो वाक्य है ये पूरा हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर एक वाक्य के चार सेंटेंस हमने बनाए थे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें जो है इसके चार सेंटेंस बनाने हैं और चारों सेंटेंस बनाने का पैटर्न यही रहेगा। जब नेगेटिव बनाना होगा तो हमें थर्ड नंबर पर नोट लगाना होगा, बाकी सब जो सब हम चलता आ रहा है उसी प्रकार से चलता रहेगा। एक और चीज जो यहाँ ध्यान देने योग्य है, जो इस टेंस के अंदर हमें सीखनी जरूरी है, कि बहुत सी बार क्या है कि हमारे सामने दो कार्य आते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट में दो कार्य थे, तो यहाँ पर भी दो कार्य हमारे सामने आते हैं। अब दो कार्य में से पहले पूर्ण कार्य के साथ, पहले पूर्ण कार्य के साथ जो काम पहले पूर्ण होगा उसके साथ तो हमें लगाना है फ्यूचर परफेक्ट, उसके साथ हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है, और जो बाद में पूर्ण होगा तो ये है बाद में पूर्ण कार्य के साथ, बाद में पूर्ण कार्य के साथ हमें लगाना है प्रेजेंट सिंपल। तो यहां पर ये भी ध्यान देने लायक बात है कि अगर दो कार्य हमारे पास होते हैं तो उन दोनों कार्यों में हमें ये देखना है कि पहले कौन सा कार्य हो रहा है और उसके बाद में कौन सा कार्य हो रहा है। अब जो कार्य पहले होता है उसके लिए हमें क्या लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, शैल बी प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर दूसरा कार्य उसके बाद होता है तो उस दूसरे कार्य के साथ हमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और ऐसा प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम पढ़ चुके हैं, एक एग्जांपल है आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क बिफोर महेश कम्स। आप यहाँ देख सकते हो साहब साहब, पहले मैं आपको अर्थ बताता हूँ कि कौन सा वाक्य का काम पहले हुआ। आई से यू फिनिश माय वर्क, मैं मेरा कार्य पूर्ण कर चुका होऊंगा बिफोर महेश कम्स, महेश के आने से पहले, महेश के आने से पहले मैं मेरा कार्य पूरा कर चुका होऊंगा। तो पहले महेश आया या कार्य पूरा हुआ, हम सब जानते हैं कि पहले कार्य पूरा हुआ, तो जो काम पहले हुआ उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट लगाया हमने, ये कार्य पूरा होने का काम पहले, तो ये यहाँ हम देख सकते हैं सेल है प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट है, तो हमने यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट को काम में लिया। काम में लेने का रीजन रहा फर्स्ट टाइम पे ये कार्य पूरा हुआ है, और उसके बाद दूसरा कार्य क्या है महेश का आना, तो ये यहाँ देख सकते हो आप महेश कम्स, तो ये कम्स में आप देख रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस का प्रयोग हो रहा है क्योंकि महेश सिंगुलर है, तो ये जो है हमारा था प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में जो कंडीशन है वही कंडीशन यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, और यहाँ पर ये जो है सेकेंड वाला कार्य था। इस प्रकार से ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर दो कार्य है तो पहले पूरा हो रहा है उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट, और जो बाद में पूरा हो रहा है उसके साथ प्रेजेंट सिंपल। तो इस प्रकार से ये हमारा टेंस था फ्यूचर परफेक्ट, और आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझाया गया है, और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे, और दृश्य क्लासेज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका निःशुल्क लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।